हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझते हैं मल्टीकल्चरलिज्म ये क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मल्टी कल्चर्स, जब अलग अलग कल्चर्स के लोग एक साथ में रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग एथनिसिटीज़, अलग अलग रेस, है ना, उनके जो अलग अलग लोग हैं वो जब एक साथ में रहते हैं तो उसको मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप ये समझिए गुजरात के अंदर यहाँ का जो नेटिव पीपल है वो, और उसके साथ में जो कि जो ईरानी आए बाहर से, ईरान से, फारस की खाड़ी, वहाँ से वो लोग आए, ठीक है ना। बॉम्बे पहला आपका मुंबई, जैसे वहाँ पे जॉब करते हैं लोग, वहाँ पे गुजरातीज़ भी हैं, वहाँ पे यूपी के लोग भी हैं, वहाँ पे बिहार के लोग भी हैं, और वहाँ पे ज्यूज़ भी हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोग जब एक साथ में मिलके रहते हैं उसको बोलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म, राइट। इसकी दो थ्योरीज़ हैं, दो तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म में जैसे कि फर्स्ट है मेल्टिंग पॉट थ्योरी, दूसरी है सैलेड बोल थ्योरी, राइट। मेल्टिंग पॉट मतलब पिघल गया, मेल्ट होना ना, पिघलना, राइट। इससे हम कैसे समझेंगे, मेल्टिंग पॉट का मतलब है कि जब काफ़ी सारे लोग एक साथ में मिलके रहते हैं लेकिन वे अपनी कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के एक साथ में एडेप्ट हो जाते हैं, वहाँ के जिस जगह पे वो लोग रह रहे हैं वहाँ का जो मेजॉरिटी जो कल्चर है उसके हिसाब से जो खुद को एडेप्ट कर लेते हैं, राइट, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉट थ्योरी। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका में दुनिया भर के अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं, अलग अलग एथनिसिटीज़ हैं, अलग अलग रेस, लेकिन वो फिर भी अमेरिकन हैं। जब वो दिखेंगे या रहेंगे वहाँ पे, वहाँ का पूरा थॉट प्रोसेस वो सब कुछ क्या है, अमेरिका की तरह से, जो वहाँ का जो बेसिक, जो वहाँ का जो नेटिव सिटीज़न, ऑफकोर्स रेड इंडियन एक अलग बात है, लेकिन बाद में जो आए वहाँ पे, जो इस समय सेटल्ड है उनके हिसाब से वो काम करता है, राइट। ये हो गया क्या, मेल्टिंग पॉट थ्योरी। दूसरी है सैलेड बोल थ्योरी। सैलेड बोल होता है ना, सैलेड बोल मतलब बाउल, जो हम बोलते हैं कटोरा, एक बड़ा कटोरा, उसके अंदर क्या, जब हम सैलेड बनाते हैं तो उसके अंदर क्या, ककड़ी भी है, खीरा भी है, टमाटर है, प्याज है, है ना, बीट रूट है, आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, नट्स डाल सकते हो, कुछ भी। तो जब वो साथ में रहते हैं उनका अपना अलग फ्लेवर भी होता है, और जब हम उसको खाते हैं वो न्यूट्रिशियस भी लगता है और बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन सबका अलग अलग फ्लेवर भी हमको दिखाई देता है। ये है सैलेड बोल थ्योरी, कि सब लोग एक साथ में मिलके रहें, अपनी जो चीज़ें हैं, जो उनके जो बेसिक, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं, अलग अलग हर एक अलग रेस के, हर एक अलग एथनिसिटी के, वो उसको बरकरार रखते हुए एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉट थ्योरी है, उसमें जो यूनिक फीचर्स हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ज़्यादा एक तरीके से बोले कि वो कम हो जाती हैं। वहाँ का जो मेजॉरिटी सिस्टम है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। सैलेड बॉल के अंदर उनके जो यूनिक फीचर्स हैं वो ज़्यादा रहते हैं, राइट, और जो वहाँ का जो मेजॉरिटी, जिस जगह पे वो लोग रह रहे हैं वो उसको वो लोग कम अडप्ट करते हैं। जैसे कि इसका हम एग्जांपल अगर एक तरीके से देखें यूएसए के अंदर, हम इसको दोबारा से समझते हैं। जैसे कि मेल्टिंग पॉट में हाँ इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उसके साथ में क्या है, वहाँ पे इंडिया टाउन भी होगा, मतलब जैसे वो अपना एक अलग फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे दिवाली सेलिब्रेट हो रही है वहाँ पे, है ना, और चाइना टाउन वहाँ पे, जहाँ पे चाइनीज़ पीपल मेजॉरिटी में रहते होंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सैलेड बोल थ्योरी। एक मतलब जैसे हम इसको बोले सोशियोलॉजी के अंदर, जैसे हम इसको पढ़ते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट, जैसे हमारा दिल्ली, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, करेक्ट है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें तो इसके हमें कुछ और चीज़ें, जैसे कि आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, बिल्कुल है प्रासंगिकता, इन द सेंस कि हम लोगों को जो ये इंटॉलरेंस एक तरीके से बढ़ रहा है ना, कि हम अपने आप को सुपीरियर समझ के हम दूसरे लोगों को इन्फीरियर समझते हैं, जो एक वो सिद्धांत है ना लिव एंड लेट लिव का, कि आप इस दुनिया के अंदर सर्वाइव तभी कर सकते हो जब आप अपने आप पे प्राउड फील करते हुए दूसरे को भी स्वीकार करो। अगर आप में इनसिक्योरिटी होगी तो ही आप दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, राइट। तो अगर हम अपने कल्चर को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और हम अपने की रेस्पेक्ट के साथ साथ में दूसरे की भी रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ पे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कम्युनल टेंशंस नहीं होंगे। इन पॉलिटिकल साइंस हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, राइट, कम्युनल टेंशंस नहीं होंगे बिल्कुल भी, किसी भी तरीके की इंसर्जेंसी नहीं होगी, जैसे कि हमारे यहाँ मणिपुर में हुई थी। उसके कुछ अलग पॉलिटिकल कारण भी रहे हैं, है ना, जैसे कि इग्नोरेंस भी रहा है नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन अब क्या वो चीज़ें धीरे धीरे करके
मेल्टिंग पॉट कह लीजिए, उस तरीके से धीरे धीरे सब कुछ होता जा रहा है, या सैलेड बोल भी आप इसको कह सकते हैं कि वहाँ की एथनिसिटी, वहाँ की सब कुछ, लेकिन हम लोग इंडियन पहले हैं, राइट? तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.